Hello everyone, this is Arshi Jain. This is another video on income from salary. In the last video lectures, we have covered the topic, that is still house rent allowance. And in this lecture video, we are mainly focusing only on the perquisites, that is called benefits. Okay, so हम आगे बढ़ते हैं कि हमने इन द लास्ट क्लास हमने देखिए हाउस रेंट अलाउंस तक हमने सब कुछ कम्प्लीट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव सेक्शन दैट इज सेक्शन 16(1) एंड विच टॉक्स अबाउट द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए पहले तो आपको इसका मोटिव समझना पड़ेगा, लाइक व्हाई गवर्नमेंट मेड दिस इनिशिएटिव टू गिव द स्टैंडर्ड डिडक्शन टू सैलरी इनकम पर्सन। अगर आप देखो लाइक इफ़ यू आर अर्निंग एनी इनकम, लाइक अगर मान लो सपोज इफ यू आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस, ओके, एंड ऑब्वियसली इनकम बिजनेस में क्या कहते हैं, दैट इज वट एवर यू आर रिसिविंग आफ्टर द एक्सपेंसेस, सो दैट इज योर दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो आपकी जो है प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगता है। बट सैलरी में तो आपका कोई खर्चा मीन्स क्यों मैनेज करेंगे, सैलरी तो आपको मिल रही है, बट फिर भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जो है कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड कर रही है, दैट इज अमाउंटिंग ऑफ ₹50,000। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट कहती कहती है कि चाहे ठीक है आपने सैलरी अर्न की हो, बट सैलरी को अर्न करने के लिए आपने अपना कुछ तो बोलते ना कुछ खून पसीना तो लगाया होगा भाई, कमाने के लिए आपने कुछ तो खून पसीना लगाया होगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको जो है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि स्ट्रेट अवे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करिए, दैट इज ऑफ ₹50,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ सैलरी इनकम। सैलरी चाहे आपकी कितनी भी हो, गवर्नमेंट कर रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम बस देखेंगे कि इफ योर इनकम इज कमिंग अंडर इन द हेड सैलरी, यू आर एलिजिबल टू गेट दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंटिंग ऑफ ₹50,000। ये सब के लिए है, राइट। अब गवर्नमेंट ने इसमें एक छोटी सी रिलैक्सेशन डाल दी। क्या लिखा है इसमें, पहले लिखा है देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड टू सैलरी इनकम पर्सन ऑफ ₹50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 2021। अच्छा ये एक्चुअली फॉर नहीं आएगा, ये फ्रॉम है, सॉरी इट्स नॉट फॉर इट्स फ्रॉम, यानी कि आया तो वैसे वो फाइनेंशियल एक्ट 2019 से आया था, so it would be from the assessment year 2020-21 in lieu of transportation allowance and medical perquisite। देखिए हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हमने जो है अच्छे से डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में क्या बोला था मैंने आपको कि उसकी जो आपको एग्जम्पशन जो अलाउड है, राइट, जो आपको जो अलाउंसेस के जो एग्जम्पशन आपको अलाउड है वो किसके लिए अलाउड है, ओनली फॉर द ब्लाइंड एंड द हैंडीकैप पर्सन, एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन के लिए वो फुली टैक्सेबल होगा, राइट। एक्चुअली क्या था, जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी, ठीक है, जब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं थी तब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे एग्जम्पशन जो है मींस जो डिसेबल नहीं थे उनको भी मिलती थी। बट जब से ये आया 50,000 का तो गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस एंड मेडिकल परक्विजिट, याद रखना परक्विजिट अलग होता है, अलाउंसेस अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्ड के लिखा है दैट इज परक्विजिट, दैट इज बेनिफिट्स। देखिए मेडिकल अलाउंसेस तो वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, वो तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मैंने वर्ड का यूज़ किया दैट इज कॉल्ड मेडिकल परक्विजिट, दैट मीन्स मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप मीन्स आपको ये 50,000 मिलेगी बट आपको मेडिकल बेनिफिट्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बेनिफिट जो है हैंडीकैप पर्सन को आज भी मिल रही है या ब्लाइंड पर्सन को आज भी मिल रही है, मीन्स उनको दोनों मिल रही है, 50,000 की ये भी मिल रही है, प्लस दे आर गेटिंग दी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ऑल्सो, राइट। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब हमारा सिर्फ एक ही जो है अलाउंसेस रह गया था जो मैं लास्ट क्लास में एक्चुअली में डिस्कस करना भूल गया था, तो एक छोटे से ही अलाउंस है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अलाउंस का नाम है दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। क्या कहता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, दैट मीन्स ये अलाउंसेस है मीन्स एम्प्लॉय को मिल रहा है, किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखा है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अच्छा जो जो कंडीशन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है,
डायरेक्शन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी में से इनमें से जो भी लीस्ट होगा ठीक है वो क्या होगा डिडक्शन के लिए अलाउड है, और ये डिडक्शन किसके लिए अलाउड है, फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो पहले देखते हैं ए बी एंड सी पॉइंट क्या है। फर्स्ट वन इज अमाउंट रिसीव्ड एज एन अलाउंस, देन बी पॉइंट इज दैट इज 20% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब सैलरी में क्या आएगा, दैट इज ओनली बेसिक सैलरी। ये मैंने कोल्ड रूम में भी लिखा हुआ है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस में सैलरी का मतलब क्या, दैट इज ओनली बेसिक सैलरी। एंड देन सी पॉइंट इज दैट इज ₹5,000। तो इन तीनों में से जो भी काम होगा वो डिडक्शन के लिए अलाउड होगा, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दैट मीन्स अदरवाइज। अदरवाइज यहाँ पर क्या मतलब है, दैट मीन्स अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनके लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। देखिए, अब तक ऊपर हमने जितने भी, आपने याद होगा फर्स्ट लेक्चर वीडियोज में मैंने जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने पढ़े थे, तो उस केस में कहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होता था मैक्सिमम केस में, एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल था। बट यहाँ पर देखा ये अलाउंसेज है और इसमें रिवर्स है, यानी कि इसमें क्या बोला हुआ है कि जो आपको डिडक्शन दी हुई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ कंडीशन बताई हुई है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो पूरा पूरा टैक्सेबल कर दिया। ठीक है, तो उसको याद रखना। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, बी पॉइंट में दैट्स 20% ऑफ सैलरी, एंड सैलरी का मतलब यहाँ पर ओनली बेसिक पे, राइट। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज रिलेटेड टू परक्विजिट्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर परक्विजिट्स का मतलब क्या है, परक्विजिट्स को बोलते हैं हम बेनिफिट्स, राइट। बेनिफिट्स दैट मीन्स अदर देन कैश। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, अटेंडेंस। देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, हेल्पर अलाउंस, तो वो क्या था, फुली टैक्सेबल। यहाँ पर क्या है, अटेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने नाम लिखे हैं कि परकेजेस यानी कि बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अटेंडेंस हो सकते हैं, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन हमने पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक और होता है चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट, तो वो भी पढ़ेंगे। देन मोटर कार से रिलेटेड, भाई जैसे मान लीजिए ऑफिस में आने के लिए आपको मोटर कार दे दी, ठीक है, तो वो क्या आपको फैसिलिटी दी, प्रोवाइड कर दी। देन LTC दैट मीन्स लीव ट्रैवल कंसेशन, भाई घूमने के लिए दे दिया कि दे चलो जाओ आप घूमो, आने जाने का जो खर्चा होगा वो हम वो एम्प्लॉयर देगा, तो वो क्या बेनिफिट इन काइंड है। देन RFA दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, दैट मीन्स मान लीजिए आप रहते मुंबई में हो, जॉब कर रहे हो आप दिल्ली में, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर एम्प्लॉयर आपको एक तो HRA नहीं दे रहा है, यानी कि पैसे नहीं दे रहा, क्या कह रहा है कि हम ही आपको जो है एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में एम्प्लॉयर के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा और क्या नहीं होगा वो हम पढ़ेंगे, दैट इज इन द केस ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। देन एसेट्स दैट मीन्स मान लीजिए कोई एसेट दे दी, मोबाइल दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, ठीक है, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम दे दिए, फर्नीचर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो उस केस में क्या एम्प्लॉय के हाथ में कुछ टैक्सेबल होगा ही नहीं होगा, तो वो हम पढ़ेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स दैट वी विल स्टडी। अब इसको धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजर मेजर इम्पोर्टेंट जो है, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन में ये जो है कि फर्स्ट पार्ट है, एंड जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू अनफर्निश्ड हाउस। दैट मीन्स एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स घर दिया विदाउट एनी फर्नीचर, राइट। तो फर्स्ट देखिए कॉलम है दैट इज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दैट मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इस केस में देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड हो रहा है, कौन सा रेंट फ्री अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड हो रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या टैक्सेबल होगा, क्या एग्जम्प्ट होगा, वो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एज पर गवर्नमेंट रूल ओनली लाइसेंस फीस वुड बी टैक्सेबल। देखिए मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने आपको एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर दिया, अब इसका जो है गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट अगर उसकी करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर करंट रेंट निकालें तो निकलता सपोज 10,000 पर मंथ, राइट। बट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग उसके लाइसेंस फी आती है सपोज 7,000 पर मंथ। सो एम्प्लॉय के हाथ में यानी कि आपके हाथ में कितना होगा, 7,000 पर मंथ ही टैक्सेबल होगा, यानी कि रेंट नहीं देखेंगे कि रेंट कितना है, चाहे कम भी हो सकता ज़्यादा होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ड ढूंढना है दैट इज लाइसेंस फी, दैट्स इट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, राइट। सो ये मैंने फर्स्ट कॉलम लिखा, दैट मीन्स ना ये फर्स्ट केस है दैट इज रिलेटेड टू अनफर्निश्ड। अभी मैं सिर्फ अनफर्निश्ड डिस्कस कर रहा हूँ।
और मैंने जो उसमें फर्स्ट के डिस्कस किया दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, देन सेकेंड कॉलम है अदर, दैट मीन्स अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अच्छा, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में यहाँ पर दो केस और हो सकते हैं, दैट मीन्स या तो अनफर्निश्ड हाउस जो है वो खुद एम्प्लॉयर का है, या फिर एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पर लिया हुआ है और आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों केस में अलग अलग जो है इसकी एग्जम्पशन है, तो वो ध्यान से देखनी है। फर्स्ट केस है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर का खुद का घर है, अनफर्निश्ड हाउस, खाली घर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो इसके लिए क्या है जो एग्जम्पशन है वो डिपेंडेंट इस पे पॉपुलेशन पे, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है। अगर पॉपुलेशन की सिटी अगर मोर देन 25 लाख है, यानी कि जहाँ पर RFA है, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या जहाँ पर अनफर्निश्ड हाउस है, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन या उस सिटी की पॉपुलेशन अगर मोर देन 25 लाख है, तो 15% ऑफ द सैलरी वुड बी टैक्सेबल। आई रिपीट, जहाँ पर आपको अनफर्निश्ड हाउस मिला है, किससे मिला है, प्राइवेट कंपनी से मिला है, क्योंकि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। ठीक है, अगर उस RFA की लोकेशन, ठीक है, उस सिटी में है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है मोर देन 25 लाख है, तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, देन फिर लिखा है मोर देन 10 बट अप टू 25 लाख, यानी रेंज दी हुई है मोर देन 10 बट अप टू 25 लाख, अगर इतनी पॉपुलेशन है तो 10% ऑफ सैलरी वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई। देन अप टू 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, राइट। देन सेकेंड केस दैट इज ऑन नॉट ऑन बाय एम्प्लॉई, यानी कि एम्प्लॉयर ने खुद उसको रेंट पर लिया हुआ है और आपको दे दिया, तो उस केस में क्या लिखेंगे, एक्चुअल रेंट। अच्छा, एक्चुअल रेंट कौन सा है, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी, जो भी इसमें से लेस होगा दैट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। देखिए, आप थोड़ा इसमें पॉपुलेशन पे ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इतनी पॉपुलेशन हॉस्पिटल है। यस, एक्चुअली द थिंग इज कि लॉ मेकर ने ये जो जितने भी ये पॉइंट्स बनाए हैं, ये बहुत टाइम बनाए, पहले बनाए थे ये, आज से आई थिंक ये 15 साल पुराने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको अब तक गवर्नमेंट ने चेंज नहीं करा। सो जितना है, जब तक है, जब तक हमें पढ़ना ही है, राइट। बिकॉज पॉपुलेशन अगर छोटी छोटी पॉपुलेशन अगर तो 1 करोड़ तो ईजिली मिल जाती है, सो मोस्ट केसेस में आपको सिर्फ मोर देन 25 लाख ही पढ़ोगे आप, राइट। तो देखिए, हमने फर्स्ट केस में क्या पढ़ा, RFA, RFM क्या पढ़ रहे हैं, अनफर्निश्ड हाउस, इसमें हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पढ़ लिया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पढ़ लिया, राइट। अब थर्ड कॉलम है दैट मीन्स अकोमोडेशन इन होटल, अकोमोडेशन इन होटल, दैट मीन्स इसमें ना तो आपका अनफर्निश्ड हाउस है ना फर्निश्ड हाउस है, ये अगर है क्या फिर आपका दे अकोमोडेशन होटल। अच्छा, ये अकोमोडेशन होम होटल जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी प्लस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, इसमें टैक्सेबल कब होगा, 20% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, विच एवर इज लेस वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, राइट। इसमें कंडीशन है, हाउ एवर नथिंग शैल बी टैक्सेबल इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फॉर नॉट मोर देन 15 डेज एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपका ट्रांसफर कर दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो दूसरे स्टेट में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना मैनेज करने में, तो इसलिए करते हैं एम्प्लॉयर ने आपको कुछ टाइम के लिए एक होटल में आपको दे के आप इस होटल में स्टे करो, ठीक है, तो उस केस में जो है आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। और इसमें एक और केस है, मान लीजिए अगर आपको होटल में रहना पड़ा, स्टे करने दिया 15 दिन से ज़्यादा, तो भी वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, तो भी वो आपका टैक्सेबल, अगर 15 दिन से कम है तो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कैसे होगा, 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लेस, राइट। अगर दोनों में से ये जो कंडीशन है, रहना दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह दोनों में दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई एक, राइट। सो ये था आपका अकोमोडेशन इन होटल। सो हमने ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया, ना कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज फर्निश्ड हाउस। अभी तक हमने डिस्कस किया था दैट इज अनफर्निश्ड हाउस, अब हम फर्निश्ड हाउस डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे करना है। अच्छा, दीज आर दी बेसिकली दी स्टेप्स जो मैंने ये लिखी, ये स्टेप्स हैं, फर्निश्ड हाउस यानी कि एम्प्लॉयर ने आपको जो है फर्निश्ड हाउस दे दिया,
हाउस दे दिया। अच्छा ये फर्निश्ड हाउस किसके लिए है, ये हम एग्जेम्पशन किसके लिए बढ़ रहे हैं या टैक्स वेल किसके लिए बढ़ रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने बोलेगा या नॉन गवर्नमेंट ने मिलेगा, इस सब के लिए है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए, क्या इसमें स्टेप्स क्या करना है। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फर्निश्ड, सॉरी फर्स्ट स्टेप आपका करना है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट क्या करना है आपको, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो उसका आपको 10% पर एनम के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, मैं स्पेसिफिक करता हूँ, मान लीजिए अगर आपने अगर आपको जो है फर्निश हाउस मिला है एम्प्लॉयर से, तो फर्निश हाउस में क्या होगा, पहले तो आपको ऊपर वाला स्टेप फॉलो करना है, यानी कि पहले तो आपने निकालना है अनफर्निश हाउस के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्लस अब आपको फर्निश हाउस मिला है, तो फर्निश हाउस में क्या मिला है, फर्नीचर, तो फर्नीचर के भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। राइट, तो पहले क्या करना है, फर्नीचर की जो भी वैल्यू होगी उन सबको ऐड करो, उसके बाद उसकी कॉस्ट पर एनम से निकालो, और उसका 10% दैट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। ठीक है, अगर मान लीजिए वो जो फर्नीचर है वो रेंट पे, यानी कि एम्प्लॉयर का होता है, वो रेंट पे दिया हुआ है, हायर चार्जेस। ठीक है, हायर किया हुआ है फर्नीचर, तो उसके उसमें क्या है, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी एडेड और शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। राइट, तो वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा आपका। राइट, अच्छा इसमें जी मेन जो ये पॉइंट ये है, ध्यान से देखना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस शैल बी इग्नोर्ड, ये इग्नोर करने हैं हमें, कौन कौन से, अगर मेंटेनेंस चार्जेस या फिर रिपेयर चार्जेस, वो आपको इग्नोर करना है। राइट, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको अगर मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक फर्निश हाउस दे दी, तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो आपको देखना है कि फर्नीचर को हटा के क्या बना वो, अनफर्निश हाउस, तो इसके इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या करना है आपको, फर्नीचर की जो भी वैल्यू है, मान लीजिए अगर एम्प्लॉय का खुद का फर्नीचर है, तो उसकी टोटल कॉस्ट उसका 10% निकालो, वो आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए फर्नीचर हायर पर लिया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है, तो जो भी चार्जेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर एज रेंट, वो आपके हाथ में टैक्स हो जाएगा। राइट, आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है टू हाउसेस ऑन ट्रांसफर, दैट मीन्स इन द केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड हाउस एट द न्यू प्लेस एंड ऑल्सो अलाउड टू रिटेन हाउस एट ओल्ड प्लेस। जैसे मान लीजिए आपका जो है ट्रांसफर हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आपने आपका कुछ सामान पहले स्टेट में अब तक रखा हुआ है और दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर हो चुके हो। ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए दोनों ही स्टेट में आपको जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन रखा है। ठीक है, तो उस केस में देखेंगे वो टैक्सेबल कौन सा घर होगा, दोनों होंगे या दोनों में से एक होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ए पॉइंट लिखा हुआ है, फॉर फर्स्ट 90 डेज फ्रॉम दी ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसफर से 90 दिन ट्रांसफर काउंट करेंगे, दी वैल्यू ऑफ दी वन हाउस विद लोअर वैल्यू वुड बी टैक्सेबल। मान लीजिए अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप ट्रांसफर हो गए, दोनों घर आपके पास हैं, ठीक है, और अगर फर्स्ट 90 डेज हो गए, तो अगर आपको दोनों में से एक वैल्यू टैक्सेबल होगी, कौन सी होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी। मान लीजिए आपने जो है दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करी, फर्निश हाउस है या अनफर्निश हाउस है, दोनों की टैक्स टैक्स कैलकुलेट करा आपने, दोनों में से जो भी लीस्ट होगा ना वो टैक्सेबल होगा। राइट, आफ्टर 90 डेज क्या होगा, बोथ वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेज वुड बी टैक्सेबल। जैसे 90 डेज से एक्सीड हुआ, तो दोनों घर का ही आपका टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अभी कुछ केसेस हैं जहां पर आरएफए टैक्सेबल होता ही नहीं है, जहां पर आरएफए दैट मींस रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल होता ही नहीं है। कौन कौन सा, फर्स्ट केस, हाउस इज लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया एंड इट इज प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन माइनिंग साइट। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उस केस में आरएफए जब वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। राइट, सो क्लास दिस इज द फर्स्ट परक्विजिट दैट वी हैव डिस्कस सो फार। नाउ मूविंग अहेड, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ बेनिफिट, दैट इज लोन। इसमें होता क्या क्लास, मान लीजिए आप एम्प्लॉय हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो,
मान लीजिए आप जो है एजुकेशन लोन ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लोन लेना है किसी को, आप बैंक में जाते हैं तो एजुकेशन लोन मान लीजिए एज पर नेशनलाइज बैंक SBI के लिए जाते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए 13% है। तो मान लीजिए अगर कंपनी में ही कुछ ऐसे बेनिफिट अवेलेबल है एम्प्लॉय के लिए कि वो बोलते हैं कि जो भी आपको लोन लेना है वो आप मार्केट जो रेट चल रहा है उससे 2% कम रेट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लिखना है कि जो ये बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, क्या पूरा टैक्सेबल होगा या पार्शियल टैक्सेबल होगा, वो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, राइट। पहले हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कि इंटरेस्ट जो EMI पे कर रहा है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रही है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है उस पे टैक्सेबल होगा या एग्जेम्पशन होगा उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा लोन कौन सा है, एनी टाइप ऑफ लोन, कोई भी लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे मैरिज लोन हो, चाहे व्हीकल लोन हो, कोई भी लोन हो, एनी टाइप ऑफ लोन। पहले तो आपको जो रेट कंपेयर करना है, मान लीजिए आपने पहले एम्प्लॉयर से ले लिया 10% रेट पे, उसके बाद आपको कंपेयर कैसे करना है, रेट चार्ज बाय SBI ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर सिमिलर लोन, चाहे आपने कोई भी लोन लिया हो, मान लो आपने लिया व्हीकल लोन, आपने लिया अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, एक्स लिमिटेड कंपनी से आपने लिया लोन, उसी सेम लोन को उसी सेम डेट पे आप कंपेयर करो SBI के रेट से, ठीक है, उसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। कंपेयर करने के बाद क्या करना है, इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, दैट मीन्स ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है, ऑब्वियसली ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच मंथ ऑफ द लास्ट डे, उसी पे करना है, ठीक है। अगर अच्छा माने यहाँ पर कोई भी अगर कोई फिगर आपकी फ्रैक्शन में आती है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग जो मंथ्स है, मान लीजिए हैं सपोज 12 मंथ्स एंड 5 डेज, ठीक है, तो इसमें आपको जो कंप्लीट आपको 1 मंथ ही कंसिडर करना है, यानी कि इसमें आपको 13 डेज होगा, तो फ्रैक्शन आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर आपको आपको पूरा ही राउंड अप करना है, चाहे आपका 12 मंथ्स एंड 1 डे हो तब भी आपको 13 मंथ्स ही कंसिडर करना चाहिए, ओके। आगे लिखा है, हाउ एवर नथिंग शेल बी टैक्सेबल इफ लोन इन एग्रीगेट डजेंट एक्सीड ₹20,000, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको आपने एम्प्लॉयर से कोई भी लोन लिया हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ लोन, अगर उस लोन का अमाउंट अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, आपको कुछ देखना ही नहीं है। अच्छा आगे लिखा हुआ है, इफ लोन इज इन एक्सेस ऑफ 20,000 देन इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी टैक्सेबल, या मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट में नहीं, यहाँ पर सिर्फ हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। देन लोन इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, यानी कि अगर लोन लिया हुआ है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से किसके लिए, स्पेसिफाइड डिसीज के लिए, भाई मेडिकल पर्पज से लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ रही है, तो उस केस में भैया भाई इमरजेंसी में अगर तो किसी को हेल्प ही कर रहा है वो तो एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा लिखा हुआ है। बट इफ सच लोन हैज बिन रीइंबर्स्ड अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम एंड इट इज नॉट रिपेड टू द एम्प्लॉयर देन इट्स एलिजिबल, ऑब्वियसली मान लीजिए अगर आपने एम्प्लॉयर से पहले एज अ मेडिकल आपने कुछ स्पेसिफाइड डिसीज के लिए आपने लोन ले लिया, पहले तो वो टैक्सेबल है ही नहीं, दूसरा आपका वो जो था वो प्रीमियम में कवर्ड हो गया, अब आपको इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ पैसे वापस दे दिए या आपने कवर करा लिया, तो अगर आपने वो पैसे जो आपने लोन लिया था अगर आपने उसको वापस नहीं किए तो फिर वो पूरा का पूरा अमाउंट जो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट फ्री लोन। आगे बढ़ते हैं, दैट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, दैट मीन्स अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको कुछ एसेट्स दी, कौन से एसेट्स, मूवेबल एसेट्स कौन कौन से थे, लैपटॉप, मोबाइल, कार, ठीक है, और एनी अदर एसेट्स दैट आर मूवेबल, तो हम देखने क्या वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लिखा है लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ये टैक्सेबल नहीं होते। जैसे देखिए आज के टाइम में देखिए लाइक वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो चल रहा है, उस केस में देखिए कंप्यूटर बहुत सारे एम्प्लॉयज को लैपटॉप भी दिए, डेस्कटॉप भी प्रोवाइड करे, ठीक है, तो उस केस में वो जो है टैक्सेबल नहीं होगा। बी पॉइंट अदर एसेट्स, दैट मीन्स अदर देन ए पॉइंट एंड अदर देन कार, कार क्यों मैंने लिखा, क्योंकि कार के लिए हम अलग से हम पढ़ेंगे,
उसके लिए बहुत उसकी एक स्पेशल क्लास नहीं है, तो कार के जो बेनिफिट हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए लिखा मैंने अदर एसेट्स अदर देन ए पॉइंट अदर देन कार, तो उस पर क्या होगा 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। तो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन टैक्सेबल नहीं है, उसके अलावा कोई और अदर एसेट्स है अदर देन कार, तो उस पर 10% ऑफ द वैल्यू या फिर हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, राइट। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। देखिए लॉ मेकर ने जब ये बनाया था पॉइंट दैट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, तो इसके लिए तो देखिए एम्प्लॉयर तो अपने आप कोशिश करता है कि हम सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को दें ताकि वो कहीं और ना जाए, उनको मोटिवेशन देते हैं। बट देखा भाई लॉ मेकर ने कि भी लोग इसका फायदा उठाने लगे, तो इस केस में लोग लॉ मेकर ने देखा कि भी जो मूवेबल एसेट्स दिए हुए हैं तो एम्प्लॉय करके उसको बेच देते हैं, बेच ही देते हैं मार्केट में, तो बेच के जो पैसा आता है वो अपने पास रख देते हैं। तो इस केस में ये एक और पॉइंट बनाना पड़ा, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको कोई एक मूवेबल एसेट दी और आपने इसको कुछ टाइम यूज करने उसको सेल ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, क्या वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, वो समझना पड़ रहे हैं। क्या लिखा है द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट शैल बी एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग परसेंटेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच द एसेट वॉज पुट टू यूज बाई द एम्प्लॉयर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक एसेट दी, मान लीजिए दी आपको सपोज लाइक सोफा सेट दिया आपको यूज करने के लिए दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने इसको 5 ईयर्स अच्छे से यूज़ किया, खरीदे किसने दिया एम्प्लॉयर ने, अब एम्प्लॉयर ने 5 साल बाद मान लीजिए अगर आप कह रहे हो कि भी एम्प्लॉयर मेरे से मांग नहीं रहा, सोफा खराब हो रहा है, तो आपने अगर उसको सेल ऑफ कर दिया, आपने पूछा भी एम्प्लॉयर से, या मान लीजिए आपने एम्प्लॉयर कि भाई मुझे नहीं करना उसको, मुझे सोफे की नीड नहीं है भाई, तू कर ले जो करना है उसको, तो आपने अगर उसको सेल ऑफ कर दिया, तो सेल ऑफ करने के बाद जो इसकी जो सेलेबल जो वैल्यू होगी जो कैश आपको मिला वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। बट टैक्सेबल होगा कैसे, उसका बेनिफिट निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, फर्नीचर आपने 5 ईयर यूज़ भी किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो होगा, तो क्या करेंगे जितने भी एम्प्लॉयर ने खरीदा था हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन करने के बाद उसकी जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे आपके सेल ऑफ वैल्यू से, तो जो बेनिफिट होगा अगर बेनिफिट हुआ तो ही टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। क्या लिखा है देयर फॉर डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ओनली इफ यूज फॉर 12 मंथ्स एवरेज पीरियड लेस देन 12 मंथ्स शैल बी इग्नोर्ड। दैट मीन्स ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अगर मान लीजिए कोई एसेट प्रोवाइड करी, कोई भी एसेट है अगर उसको आपने लेस देन 12 मंथ्स यूज किया है तो उसको डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए 1 लाख की कोई चीज़ एम्प्लॉयर ने आपको खरीद के दी और 1 साल से पहले पहले आपने उसको बेच दिया, मान लीजिए आपके हाथ में है 90,000, ठीक है, तो बेनिफिट कितना हुआ आपको, तो 90,000 आपके हाथ में मिल गए ना, तो आपको 90,000 आपके हाथ में टैक्स हो जाएंगे, राइट। और अगर मान लीजिए वही चीज़ आपने 5 साल तक यूज़ करा, मान लीजिए हर साल उस पर जो है डेप्रिसिएशन करा 10%, ठीक है, तो 10% लेस करते जाओ हर साल, मान लीजिए कहते डब्ल्यू डी भी है तो लेस करके जो भी वैल्यू उसको हम करेंगे एज पर दी मार्केट वैल्यू, अगर आपको अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा दैट वो भी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉई, राइट। बट डेप्रिसिएशन के रेट अलग अलग हैं अदर देन एसेट्स पे। फॉर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे 15% होगा एज पर डब्ल्यू डी वी, ठीक है, दैट मीन्स रिटन डाउन वैल्यू। देन मोटर कार है तो उस पर 20% एज पर डब्ल्यू डी वी। एनी अदर एसेट्स अदर देन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अदर देन मोटर कार तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज 10% एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट मीन्स अदर प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स। देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, दैट मीन्स छोटे मोटे जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है बट फिर भी आप एम्प्लॉयर देता है आपको, बड़ी बड़ी कंपनी में देते थे। जैसे फर्स्ट है दैट इज वैल्यू ट्रेवलिंग ड्यूरिंग अकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस ऑन हॉलीडे। हॉलीडे पे बोलते हैं कि आप घूमने जाओ, उसका ट्रेवलिंग खर्चा हम देंगे, टूर का खर्चा हम देंगे, तो क्या होगा उसमें, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द फॉलोइंग पीरियड शैल बी टैक्सेबल।
इफ द ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज वैकेशन ओनली फॉर एक्सटेंडेड पीरियड वुड बी टैक्सेबल। मान लीजिए आपको दिया 2 महीने की छुट्टी, दीदी कि जाओ छुट्टी लो और घूमो फिरो, इसके पैसे मैं दे रहा हूँ। एम्प्लॉय ने बोला आपको 50,000 दे दिए, बट आपने क्या करा, 2 महीने, आपने 2 महीने से मान लीजिए 1 हफ्ता आपने एक्सटेंड ले लिया, तो एक्सटेंड पीरियड का जो भी आपने खर्चा किया, और मान लीजिए उसका खर्चा भी आपको एम्प्लॉय ने दे दिया, तो वो ऑफिशियल पर्पज से बाहर हो गया, ऑफिशियल पर्पज से बाहर हो गया, तो जो एक्सटेंड जो पीरियड हो ना वो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। फिर लिखा है इफ एनी मेंबर हाउस होल्ड अकंपनी द एम्प्लॉय ऑन द ऑफिशियल टूर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सच मेंबर हाउस होल्ड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए आपके साथ मान लीजिए स्पाउस गया, या आपके साथ कोई फ्रेंड गया, या ब्रदर सिस्टर कोई भी गया, तो उस केस में सिर्फ आपका ही जो है वो एग्जम्पशन है, आपके साथ जो जा रहा है उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसके ऊपर भी आप मान लीजिए 50,000 है, आपके ऊपर खर्चा हुआ ही सिर्फ 30,000 है, ठीक है, तो आपके ऊपर 20,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कि नहीं 20,000 अभी आपने तो अपने दोस्त पे खर्च कर लिया, नहीं, तो 20,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन सेकेंड केस, दैट इज गिफ्ट वाचर और टोकन दिया अगर आपको एम्प्लॉयर ने, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट शैल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट, हाउएवर नथिंग शैल बी टैक्सेबल इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अप टू 5,000। यानी अगर अगर एम्प्लॉयर ने अगर आपको गिफ्ट दिया है, चाहे वाचर दिया है टोकन दिया है, अगर उस सबकी वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू अगर अप टू 5,000 है, सो नथिंग शैल बी टैक्सेबल, एक्सीड कर गया तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सीड कर गया तो एंटायर अमाउंट वुड बी टैक्सेबल, राइट। अच्छा, इसमें सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, इट मीन्स द अमाउंट ओनली इन एक्सेस ऑफ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अगर एक्सीड कर जाता है तो सिर्फ जो एक्सेस पार्ट है वही टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है अगर गिफ्ट मान लीजिए चेक या कैश से दिया है तो फिर पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। आई रिपीट, अगर मान लीजिए गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने आपको अदर देन मतलब इन काइंड दिया है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू अप टू 5,000 है तब तो ठीक है, अगर एक्सीड कर जाती है तो जो एक्सेस वैल्यू है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए गिफ्ट की वैल्यू सिर्फ आई है 6,000 इन काइंड की, तो 1,000 वो भी टैक्सेबल इन दी हैंड ऑफ एम्प्लॉय, बट अगर मान लीजिए 6,000 कैश है तो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा 6,000, राइट। थर्ड, दैट इज फॉर मील्स। देखिए होता क्या है, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि आप घर से खाना मत लाइए, कैफेटेरिया में हम आपको अच्छा खाना दे रहे हैं, तो उसका आपको पर मील का खर्चा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल, हाउएवर नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस, टी स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एट प्रीमाइसेस, एट ऑफिस प्रीमाइसेस, दैट मीन्स अगर ऑफिस के प्रीमाइसेस दिया, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग में कैफेटेरिया में दिया कि आप टी स्नैक्स हमारी तरफ से, तो वो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पे किए वाउचर्स, ठीक है, और वो ट्रांसफरेबल नहीं है, दैट मीन्स आपके नाम पे ही वाउचर निकाल दिया, कोई मेल दिया उस पर लिख दिया जैसे आपका नाम लिख दिया, और वो आप वाउचर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, तो भी वो जो वो टैक्सेबल नहीं होगा, राइट। अच्छा, आगे मैं लिखा हुआ है दी वैल्यू इन बोथ केसेस अबव, यानी ए और बी की बात कर रहे हैं, दी वैल्यू इन बोथ केसेस अबव शुड नॉट एक्सीड ₹50 पर मेल, द अमाउंट ओनली इन एक्सेस ऑफ ₹50 शैल बी टैक्सेबल। यानी कि अगर मान लीजिए 30 स्नैक्स का प्राइस जो एम्प्लॉयर ने आपको ₹50 से ऊपर का दिया, तो जो एक्सेस पार्ट होगा वही टैक्सेबल होगा। देखिए सिर्फ कुछ बातें ऐसी हैं लॉ मेकर ने लिखी, सिर्फ लिखने के लिए लिखी है, बताता कौन है अभी कि भी कितने का खाया है, कितने का भाई क्या टी स्नैक्स, कितना खर्चा, असल कौन देता है, कोई इसका बिलिंग नहीं होता, तो ये सिर्फ पेपर में है, इसके कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। सी पॉइंट लिखा है इन रिमोट एरिया है या ऑफशोर इंस्टॉलेशन है, तो उस केस में कोई लिमिट नहीं है, आप कोई भी दे तो उस पर कोई टैक्सेबल भी नहीं होगा, राइट। एंड फोर्थ वन इज, दैट इज क्रेडिट कार्ड या क्लब एक्सपेंडिचर दिया है आपको एम्प्लॉयर ने। फर्स्ट पॉइंट है ए पॉइंट, इफ एक्सपेंडिचर इज होली और एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। देन बट इसके लिए कंडीशन है, दैट मीन्स अगर आप पूरा मान लें आपको दिया क्रेडिट कार्ड एम्प्लॉयर ने और आप पूरा पूरा उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो टैक्सेबल नहीं है, बट वो माना कैसे रहने कैसे जाएगा कि ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हुआ है। लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द डेट नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर इज मेंटेन।
सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयर मस्ट क्लेरिफाई दैट सच एक्सपेंडिचर वॉज एक्सक्लूसिव फॉर ओनली ऑफिशियल पर्पज, राइट। बी पॉइंट, इन अदर केस दैट मीन्स अदर देन ऑफिशियल पर्पज, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। भाई ऑफिशियल पर्पज से अगर आप कोई भी यूज करो क्रेडिट कार्ड, तो फिर तो आपके हाथ में पूरा टैक्सेबल होगा। देन द नेक्स्ट बेनिफिट दैट इज स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, आपको पर्सनल दे दिए, सो एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर। देन नेक्स्ट बेनिफिट दैट इज गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। अगर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, उसका खर्चा आपको दे रहा है, ठीक है, तो कैसे करना है? फर्स्ट पॉइंट लिखा है इफ फ्रॉम ऑन सोर्स। ऑन सोर्स का मतलब कहते, मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर का खुद की फैक्ट्री है गैस मैन्युफैक्चरिंग की या इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग की या जो भी है, ठीक है, वाटर प्रोडक्शन की जो भी है, अगर खुद की ही है, तो उस केस में जो मैन्युफैक्चरिंग जो पर यूनिट होगा, जो खर्चा होगा ना, वो ही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, राइट। अदरवाइज मान लीजिए अगर दूसरों से, आउटसाइड एजेंसी से, भाई जैसे गैस का सिलेंडर आपको प्रोवाइड कर दिया, खुद खरीद के, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट प्राइस टू दी एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए एम्प्लॉयर के खुद की गैस की एजेंसी है, खुद की गैस एजेंसी है, ठीक है, तो जो उसको गैस को बनाने में जो भी खर्चा लगता होगा पर यूनिट के हिसाब से, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अदरवाइज दैट मीन्स दूसरों की एजेंसी खरीद के आपको गैस सिलेंडर दे दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको जो भी कॉस्ट पड़ेगी एम्प्लॉयर को, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेनिफिट दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन बेनिफिट। देखिए हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बट दिस इज द बेनिफिट, राइट। क्या लिखा है ए पॉइंट में, एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि मान लीजिए कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्कूल या कॉलेज, वो कौन रन कर रहा है? एम्प्लॉयर खुद रन कर रहा है। बी पॉइंट, फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर ऑफ दैट एम्प्लॉयर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि भी जैसे टीचर्स आपस में करते हैं कि भी प्रिंसिपल ने बोला टीचर्स को कि आपके बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम आपको फ्री एजुकेशन, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बट ये तो बेनिफिट है ना एम्प्लॉय के, तो एम्प्लॉय के लिए तो बेनिफिट है, तो इस केस में क्या होगा, द वैल्यू शैल बी फीस चार्ज बाय अ सिमिलर इंस्टीट्यूट इन अ सिमिलर लोकेटिव शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। मान लीजिए टीचर के जो बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, फिफ्थ स्टैंडर्ड पूरे साल की जो फीस है, तो हम देखेंगे उस एरिया के जो सिमिलर स्कूल हैं सेम लेवल का देखेंगे, यानी कि फिफ्थ स्टैंडर्ड का देखेंगे, ठीक है, तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। However, nothing shall be taxable in the above two cases if the value per child doesn't exceed 1000 per month. 1000 per month यानी कि जब पूरे साल में 12000 या फिर 1000 per month exceed नहीं कर रहा, तो फिर वो taxable नहीं होगा। अगर excess कर रहा था, तो only the excess amount shall be taxable, right? C point, in any other case, that means other than A, other than B, actual expenditure incurred by employer shall be इट्स वैल्यू इन सच ए केस नो एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड। यानी जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉयर का खुद का कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, मींस देयर इज नो एग्जेम्पशन ऑन दिस पॉइंट, राइट। सो स्टूडेंट दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली आई थिंक फ्यू मोर बेनिफिट्स, but those benefits we will discuss in the next video lecture. So student, I hope you have understood this very well. Thank you.